उन सब में एक अच्छा मैसेज रहा है, मानवता के लिए हमने काम किया है, इंसानियत के लिए काम किया है। और इस देश में रहने वाला हर धर्म का इंसान इसी देश में रहने वाला है, वो कहीं नहीं जाने वाला है, हमें सबको साथ लेकर चलना है। तो हमारी फिल्म में भी ये मैसेज रहेगा। मैं किसी तरह का कोई दुर्भावना से ग्रस्त नहीं हूँ, ना मैं अपनी कोई आइडियोलॉजी मेरी है, ना मैं किसी तरह की कोई नफरत मेरे अंदर। मैं चाहता हूँ कि जो देश में जो माहौल है, जो बंगाल में खासतौर पर जिसको लेकर लोग उंगलियाँ उठाते हैं, वो चीज़ें खत्म होनी चाहिए। आदमी को आदमी के साथ जुड़कर काम करना चाहिए, और तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति डेवलपमेंट के लिए होनी चाहिए। बंगाल से पूरा देश एक समय चलता था, आज के टाइम में बंगाल बेरोजगार है, वहां से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चली गई। क्यों चली गई? बिकॉज ऑफ रीजन, उसका पीछे पॉलिटिक्स ही रहा है। तो एक जो पॉलिटिशियन सिर्फ अपना वोट बैंक बना के वहां राज करना चाहते हैं, उसके बजाय आप डेवलपमेंट की बात हो, लोगों को जोड़ने की बात हो, वो मैसेज है मेरी फिल्म में। और इसके अलावा कुछ नहीं, आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता लगेगा। लेकिन आपने दो समाज को बांटने का साफ साफ फिल्म संदेश दिया है, मुसलमानों को आपने नहीं बताया, देखिए साथ में ये भी बताया कि मुसलमानों के जो लोग बंगाल छोड़ गए। मेरी बात सुनो, अगर बाहरी घुसपैठी हमारे यहाँ आते हैं, हम घुसपैठियों की बात करें, बाकी मुसलमान हमारे घर में, हमें खुद ही उनके यहाँ रहता हूँ, उसकी हम उनसे हमें क्या प्रॉब्लम? हमारे देश के लोग हैं, हमारा हिस्सा है। लेकिन बाहरी लोग जिन पर हमारा अपना घर, हमारे देश के मुसलमानों को जो घर है, वो अगर बाहरी लोग मारेंगे तो उस पर हमें बात करनी चाहिए। और मैंने की सर ऐसे में नमस्कार, मैं समन मिश्रा फिल्म डायरेक्टर हूँ, लेखक हूँ, और पिछले 28-30 सालों से मुंबई में फिल्म से ही जुड़ा रहा हूँ, असिस्टेंट डायरेक्टर, एज ए डायरेक्टर 15-16 फिल्में करेंगे। अभी लेटेस्ट मेरी 3 मार्च को फिल्म रिलीज हुई थी गजल। और जहाँ तक मैं दरारिया और वेस्ट बंगाल की बात करता हूँ, मैंने और वसीम रिजवी जी ने मिलकर इस फिल्म की प्लानिंग की 2 साल पहले से, और इन 2 सालों में मैंने बहुत सारा काम किया, रिसर्च किया, और पिछले साल फिर मैंने इसका शूट स्टार्ट किया। मैंने इस फिल्म की शूटिंग बंगाल में कभी नहीं की, जबकि मैंने बंगाल क्रिएट किया, मैंने त्रिपुरा में किया, उत्तर प्रदेश में किया, मुंबई में किया। और ये फिल्म अभी 60% कम्प्लीट हो चुकी है। इस फिल्म का पहला ट्रेलर 1 महीना पहले रिलीज हुआ था, उस पर ही बंगाल पुलिस ने मुझ पर FIR किया है और मुझे वहाँ पर बुलाया गया है 30 तारीख को। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे आपने पूछा कि फिल्म पर क्या है, फिल्म में क्या है, ये फिल्म हमारी पूरी तरह से फैक्ट्स पर आधारित है, पूरी तरह से जो धरातल पर जो चीज़ें हुई हैं, जिनके सारे एविडेंस हैं, मैंने उनको लेकर के फिल्म बनाया है, प्लान किया है। और ट्रेलर रिलीज होने के बाद लोग किस तरह से डरे हुए हैं या परेशान हैं, आप मुझे परेशान करना चाह रहे हैं, मुझे डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं ताकि फिल्म रुक जाए, थिएटर तक ना पहुँचे फिल्म, इसी के लिए सब साजिशें हो रही हैं। मुझे कानून पर, कोर्ट पर, जुडिशरी पर पूरा विश्वास है, और मुझे उम्मीद है कि हम सारी प्रॉब्लम को फेस करने के बाद बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा मैसेज लेकर, एक गुड मैसेज लेकर आप लोगों के बीच में आएंगे। आपने कहा कि कुछ लॉकडाउन के आसपास में वेस्ट बंगाल गया हुआ था, और उस दौरान मेरा वहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक रहना। उस लंबे समय में मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से वहाँ पर मिला, मैं वहाँ ह्यूमन राइट्स के लोगों से मिला, जिनसे मुझे वहाँ पर बहुत सारी जैसे जानकारियाँ मिली। और मुझे लगा कि जो चीज़ें जिसके लिए ह्यूमन राइट्स फाइट करते हैं और लोग उसके लिए परेशान हैं, लोग जिन पर गवर्नमेंट वहाँ की नहीं सुनती है, ऐसे बहुत सारे वाकयात और केस हैं जहाँ पर हमें काम करना चाहिए। और 2-2.5 साल दिन 3 साल के आसपास हमने इसको प्लान किया, और 2 साल के बाद हमने उसको एग्जीक्यूट करना शुरू किया कि हम इस पर कुछ काम करें। और जो वहाँ के लोग थे, जो जहाँ पर जो घटनाएँ हुई थी, उन लोगों से मिला, उन लोगों के बीच में गया, उसके बाद हम लोगों ने प्लान किया कि इस पर हमें फिल्म बनाना चाहिए। ये कोई एक दिन का या प्रोपोगंडा करके पब्लिसिटी हासिल करने का कोई मेरा वो नहीं, मीडिया में आने का सिर्फ रीजन ही सिर्फ यही है कि मुझे नाजायज परेशान नहीं किया जाए। और कुछ भी ईशा जी, मेरा एक सवाल है, इसमें 2 सवाल हैं। अभी तो क्या आप एक पोर्ट कंपनी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, इंटरेस्ट डील या इस तरह का कोई ऑप्शन चीज तौर पर देख रहे हैं, पहला सवाल। दूसरा, आपकी ही फिल्म इंडस्ट्री, आप जो बाकी डायरेक्टर्स हैं, जिस तरह की पैटर्न हमने देखा, चाहे वो कश्मीर फाइल्स हो, फिर केरला को लेकर फिल्म आई केरला स्टोरी, अब बंगाल को लेकर आई, इस पैटर्न के ऊपर सवाल खड़ा करती है खुद आपकी फिल्म इंडस्ट्री की, क्यों इस तरह की फिल्में बनाई जा रही है जो एक रूलिंग जो गवर्नमेंट है उसको अपीसमेंट के तौर पर देखी। 2 सवाल मिले हैं, पहले कर देखिए, जहाँ तक रूलिंग गवर्नमेंट की बात है, तो रूलिंग गवर्नमेंट में इतने सारे लोग हैं, और पहली बात मैं आज ही बोल रहा हूँ और 5 साल बाद ये आपसे रहूँगा अगर ये बात होगी,
कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं है और मुझे लगता है भाई और लोगों को नहीं मजे मुझे पता है कि उन्होंने क्या इंटेंशन रहा किस लिए फिल्म बनाई उन्होंने, लेकिन मेरा सिर्फ और सिर्फ है कि हमारा सोशल सिस्टम, हमारा समाज, हमारा देश, इसके अलावा मुझे किसी से कोई फायदा नहीं चाहिए, मुझे कोई भी इस तरह का कोई ना गॉसिप में मैं आना चाहता हूँ। और जैसे आपने कहा कि इस तरह की फिल्में, तो इसका एक जवाब यही है कि इस तरह की फिल्मों का मतलब नहीं है, जो भी पहले फिल्में बनी हैं उन्होंने उस दर्द को, चाहे कश्मीर पर रहा हो, उन्होंने दर्द को सिर्फ 1% ही दिखा पाया है। एक्चुअल में जो वहाँ का जो पेन हुआ, वहाँ जो जेनोसाइड हुआ है, उसको तो कोई सिनेमा फिल्मकार जो है उसको पर्दे पर उतार नहीं सकता, तो वो दर्द लोगों के सामने तो कम से कम आया। और ऐसी बातों की पुनरावृत्ति ना ऑफिस से दोबारा दोबारा ना फिर दोहराया जाए, इसलिए ऐसी फिल्मों का बनना भी जरूरी है। और मुझे लगता है कि ये भी एक अपने तरह की देशभक्ति है और सोशल सिस्टम है, सोशल वर्क है। आपके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है जी, और कब आपको क्या नोटिस दी गई और कब जाना है? मुझे कल मेल द्वारा नोटिस मिला है मुझे, और मुझे 30 तारीख को वहाँ बुलाया गया। बाकी लीगल टीम मेरी बात कर रही है कैसे क्या करना है। इंटरव्यू बिल की तरफ जा रहे हैं, लीगल मैं देखता हूँ क्या हो सकता है उसमें, जो लीगल है मुझे ज़्यादा कानूनी जानकारी तो नहीं है, लेकिन इतना है कि मुझे पहले से अंदाजा था कि मुझे वहाँ की पुलिस इस तरह से परेशान कर सकती है और मुझे जेल भेजा जा सकता है। वसीम रिजवी साहब से जुड़े हुए उनको भी आया है या आपको? नहीं मुझे ही आया, अभी तक उनको नहीं आया, लेकिन वो भी फिल्म के निर्माता हैं। कब तक जाएंगे आप? मैं मेरे ख्याल से कल जाऊँगा। शेर शाह सूरी का जब से वहाँ पर शासन था वहाँ से मेरी फिल्म शुरू होगी, और आज तक आते हैं कि आज का सिस्टम कैसे हुआ, कैसे वहाँ पे अंग्रेज लोग आए, कैसे फिर कम्युनिज्म आया, कैसे कैसे चीजें हुई, कैसे देश से अलग अलग थलग चलता चला गया, एक अलग ही मेंटेलिटी लेके चलता चला गया, कैसे लोगों ने वहाँ पे कंप्यूटर का विरोध किया, कैसे वहाँ पर चीज़ें पिछड़ती चली गई, तो सबसे आगे था वो सारा कुछ बहुत बारीकी से इस फिल्म में दिखाया गया है। और मैंने बहुत मुश्किल से इन सबको 2-2.25 घंटे में समेटने की कोशिश की। कल आप कहाँ जाने वाले हो? कल आप कहाँ जाने वाले होंगे? मैं वेस्ट बंगाल जाऊँ। सर एक सवाल ये भी है, जितेंद्र नारायण जिस तरह ममता बनर्जी को टारगेट करते हुए बता रहे हैं कि सफेद साड़ी में बैठे एक आत्मा के रोल में हिंदुओं के लिए सामने आ रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो ये फिल्म में ममता जी का पहली बात तो कोई रोल नहीं है इस फिल्म, और क्योंकि मैं ममता जी पर कोई फिल्म बनाऊंगा तो मुझे उनसे परमिशन की जरूरत होगी। जहाँ तक जितेंद्र नारायण जी की बात है कि वो उसमें विलेन प्रेत आत्मा हो गई है, तो वो ममता दीदी के बारे में नहीं है, ममता दीदी का बिल्कुल करेक्टर भी हो सकता है फिल्म में। अब जब तक आप पूरी फिल्म नहीं देखेंगे तो आप, अब पुलिस है जिसके वही लोग होंगे, और पुलिस को ये चीज़ें क्रिमिनल लग रहा हूँ मैं, जैसे कोई टेररिस्ट हूँ या मैं कोई देशद्रोही हूँ, मैं राइटर हूँ, लिखता हूँ, समाज पर लिखता हूँ, देश के लिए लिखता हूँ। और मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह से आपको मना किया जाए कि आप किसी का न्यूज़ मत कवर करो, इनको मत दिखाओ, आप तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो, तो मैं भी उसका एक पार्ट हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि नाचने गाने वाली फिल्में मैंने बनाई है, कुछ अच्छा और भी काम करूँ जिससे देश दुनिया में थोड़ा जागृति आए, लोगों में सुधार हो, डायग्नोस्ड हो हर एक चीज़ें और लोग इसके लिए काम करें, जागृति आए। तो हर आदमी हक बनता है, मैंने भी ऐसे किया, मैंने कोई क्राइम नहीं किया है, लेकिन मुझे बिना मुझे फंसाया जा रहा है, मुझे ट्रैप किया जा रहा है कि मैं कलकत्ता जाऊँ, जेल में जाऊँ, वहाँ मार दिया जाऊँ, ये हो रहा है कुछ। आपको लगता है कि आपको अगर बुलाया जाएगा और आप जाएंगे तो आपको अरेस्ट कर दिया जाएगा? हाँ ऑफकोर्स मुझे अरेस्ट किया जाएगा, इसीलिए तो बुलाया गया मुझे, वहाँ बिठाने के लिए नहीं बुलाएंगे वो लोग। और एक पूरी तैयारी है वहाँ के लोगों की किस तरह से पनिशमेंट किया जाए मुझे। मैं अगर कोई क्रिमिनल हूँ, अगर कोर्ट मुझे कोई सजा देता है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ हमेशा, अगर मैंने कोई गुनाह किया है तो उसके लिए मैं रेडी हूँ, लेकिन कानून का दुरुपयोग ना होने पाए इसलिए आज आप लोगों के सामने हूँ कि अगर किसी तरह का कोई मिस किया है, पैसा जेल में होता है, तो आपको लोगों को यह ना बताना पड़े कि आखिर इसके साथ क्या हुआ, ये चीजें आपके सामने है। आप सर ये फिल्म का रिलीज किया गया है, आपने बताया फिल्म की अवधि पर फिल्म का रिलीज अब क्यों हो रही है? ट्रेलर तो आप जाहिर सी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने बात रिलीज की, ट्रेलर रिलीज करने का बंगाल विरोधी फिल्म है ना ये, तो बंगाल विरोधी की बात नहीं है, बंगाल भी मेरा ही है, बंगाल भी देश का हिस्सा है और मैं भी बंगाल का हूँ, मैंने बंगाल में बहुत सारा समय दिया, मैं दुश्मन थोड़े वहाँ का हूँ, मैं समाज पर काम कर रहा हूँ, वहाँ के सोशल सिस्टम पर काम कर रहा हूँ कि लोगों को कैसे डिवाइड एंड रूल किया जा रहा है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। क्या बीजेपी के पक्ष में? कभी नहीं, मैं किसी पार्टी का हूँ नहीं, और ना मैं कोई आइडियोलॉजी मेरी है, ना मैं किसी अपनी विचारधारा थोपना चाहता हूँ। हालांकि जो देश में पार्टी है, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, गृहमंत्री हैं, उनसे जरूर चाहूँगा कि इन चीज़ों को संज्ञान में लिया जाए ताकि फ्रीडम ऑफ स्पीच तो बची रहे, डेमोक्रेसी को बचाना भी बहुत जरूरी है।
और ये देखो डेमोक्रेसी पर एक हमला है, जैसे देखा जाए कि इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती है, एफ आई आर नहीं दर्ज होते हैं, और मैंने एक फिल्म बनाई उस पर मुझे कोर्ट में घसीटा जा रहा है, मुझे जेल भेजा जा रहा है। सर एक बात, ममता बनर्जी ने कुछ दिनों पहले जब किरण फिल्म को बैन किया था मन से